आज इस दिवाली के अवसर पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जिस तरह से दिवाली के ये दिए रोशनी फैलाते हैं, हर जगह रोशनी करते हैं, उसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में भी बस अब कोई भी अंधकार ना हो, हमेशा रोशनी ही रोशनी हो। और यही कोशिश मैं करूँगा कि तुम दिवाली के दियों की तरह हमेशा जगमगाते रहो। तुम्हें पता है, ये जो दिवाली का पर्व है, ये बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन रावण का वध करके रामचंद्र जी जो हैं अयोध्या वापस आए थे। विजय का प्रतीक है ये दिन, और यही कारण है कि सारी युद्धों से हर चीज़ को पराजित करके रामचंद्र जी जब अपनी अयोध्या वापस आते हैं, तो इसका प्रतीक होता है कि हमेशा जो झूठ होता है, जो गलत होता है, उसकी हार होती है, बशर्ते वो हार तलवार, धनुष, बाण इन सब चीज़ों से हो, या सत्य और असत्य से हो। सत्य हमेशा जीतता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, उसमें समय लग सकता है, लेकिन सत्य सिर्फ और सिर्फ सत्य ही रहता है। अब तुम्हें पता है, एक बात बताता हूँ, झूठ बोलने के लिए पता नहीं कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। जब हम एक झूठ बोलते हैं, तो उसके आगे उस झूठ को छुपाने के लिए फिर हम पता नहीं कितने झूठ बोल जाते हैं, और पता नहीं मेरे बच्चे कितना झूठ बोलना पड़ जाता है। लेकिन जब आप हकीकत कहते हो, जब आप सच बोलते हो, तो सच के लिए कभी कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच सिर्फ सच ही रहता है और वो एक ही रहता है। इसलिए इस दिवाली को बहुत खास मनाते हैं, और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दिवाली को बहुत खास और अलग ढंग से मनाओ, बहुत अच्छे से मनाओ, खुश रहो, सदा खुश रहो। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहो, सदा खुश रहो।